वाराणसी ने ज्ञानव्यापी मस्जिद मुद्दे सुप्रीम कोर्टे महत्वपूर्ण आदेश कर्यो छे। वाराणसी कोर्टे ज्ञानव्यापी मस्जिद में ईएसआई सर्वे करने आदेश पर सुप्रीम कोर्टे 26 जुलाई सुधी स्टे आप्यो छे। आ पहला सुनावी दरमियान सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडियाए सर्वोच्च अदालत ने जणाव्यु हतु कि मस्जिद में मात्र सर्वे की कामगिरी करवामां आवी छे, कोईपण प्रकार खोदकाम करवामां आव्युं नथी। मुस्लिम पक्षे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेली अरजी में रजूआत करी हती कि एसआई सर्वे नो आदेश आप्या बाद अमने तेनी सामे अपील करवानो पण समय आपवामां आव्यो नथी। कोर्ट में रजूआत करवामां आवी कि अमने 2 दिवस समय आपवामां आवे जेमां एसआई ना आदेश ने हाईकोर्ट में पड़कारी शकीए। ज्ञानवापी मस्जिद में वहली सवारे 7 वगे सर्वे की कामगिरी शुरू करवामां आवी हती, जो कि हवे तेना पर स्टे आपवामां आव्यो छे। By saying that there will be excavation in the premises in question, there is no excavation. The Solicitor General had made a statement. No, this was absolutely wrong. We clarified it. The Solicitor General also clarified. So there is no issue of any excavation. At 11:15, the case was again taken up, and it was clarified that there will be no excavation. Digging done. No digging was done. No digging was done. The Solicitor General also made a statement, but this is all. I think delay tactics and they were trying to mislead the court. મણિપુરમાં થયેલી હિંસા વિશે વડાપ્રધાન મોદી સદનના બંને ગૃહમાં પોતાનું નિવેદન આપે તેવી માંગ સાથે ઇન્ડિયા ગઠબંધનના નેતાઓ સંસદ પરિસરમાં વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો। આ વિશે વાત કરતા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે જણાવ્યું કે વિપક્ષી દળો મણિપુર વિશે ચર્ચા કરવા તૈયાર છે। પીએમ મોદી સદનની બહાર પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરે છે, પરંતુ संसद नी अंदर निवेदन आपवामां शुं छे? वडाप्रधान मोदी सदन नी अंदर मणिपुर नी घटना विशे निवेदन आपे अने त्यार पछी सदन ना आ मुद्दे विपक्ष दलों ने पण सांभळवामां आवे। तैयार है, आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया? ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना ये चलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जणाव्यू कि उद्धव ठाकरे जारे महाराष्ट्र ना मुख्यमंत्री हता त्यारे पालघर में निर्दोष साधुओनी हत्या करवामां आवी हती। आ मुद्दे उद्धव ठाकरे आज दिवस सुधी जवाब आप्यो नथी के चर्चा पण करी नथी। मणिपुर हिंसा विषय सरकार संसद में चर्चा करवा माटे तैयार छे, परंतु विपक्ष तेना माटे तैयार नथी। विपक्षी दलों सदन में मुद्दे चर्चा करवा मांगता नथी। एवी तो विपक्ष ने कई मजबूरी छे कि तेवो चर्चा में रहेवा मांगे छे, परंतु चर्चा करवा मांगता नथी। महिलाओं पर थतो अत्याचार खूब ज दुर्भाग्यपूर्ण छे। आ प्रकारना मुद्दा पर राजनीति न थवी जोईए। मणिपुर वायरल वीडियो में संडोवायेला आरोपीओ विरुद्ध कड़क कार्यवाही करवामां आवशे। पे जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तो पालघर यहीं से थोड़ी दूरी पे साधु संतों की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, उसका तो आज तक वो जवाब नहीं दे पाए। चर्चा के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन यहां तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में कार्रवाई से भाग रहा है, चर्चा से भाग रहा है। ये पहली बार हुआ होगा कि हमारी सरकार ने 9 सालों में सदा कहा कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए भागता है, जबकि विपक्ष को चर्चा के लिए आना चाहिए। मध्य प्रदेश ना पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथे जणाव्यु हतुं कि मणिपुर में आदिवासी और बिन आदिवासी समुदाय लोगों वच्चे विवाद शुरू थयो छे। तमिलनाडु ना हिंदी भाषा थोपवानो विवाद चाले छे। पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों संभवित समस्या छे, तो भविष्य में शुं थशे? दरेक वर्गना लोको हैरान परेशान छे। मध्यप्रदेश ने पटरी पर केवी रीते लावीशुं? प्रदेश में भ्रष्टाचार में वधारो थयो छे। मध्यप्रदेश ने सरकारे 3,30,000 करोड़ रूपयानी लोन लीधी छे। राज्य सरकार में कमीशन खोरी में पण वधारो थयो छे। मणिपुर आपको गहराई से समझना है, कैसे आदिवासी गैर आदिवासी में विवाद पैदा हो रहा है। आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद पैदा हो रहा है, इसको आप पढ़ते हैं। आज पंजाब में खालिस्तान का नारा लग रहा है। ये सब भविष्य में क्या होगा, इसी से मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। आज हम मध्य प्रदेश को सही पटरी पर कैसे लाएं? मध्य प्रदेश
कि भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें। धरपकड़ करी छे। पुलिस कार्यवाही दरमियान एक आरोपी पास थी मोबाइल फोन मिली आयो छे, जेना विषे पुलिस तो मानवू छे कि आ फोन नो उपयोग घटना नो वीडियो बनावा माटे करवामां आव्यो छे। पुलिस तपास में मोबाइल फोन खूब महत्वनी कड़ी साबित थई शके छे। मणिपुर पुलिसे आ अंगे रात्रे ट्वीट कर्यु हतु कि धरपकड़ करायेला पांच आरोपियों ने 11 दिवस की पुलिस कस्टडी में मुकलवामां आव्या छे। उपरांत पुलिस नो कहेवू छे कि अन्य शकमंदों की शोध में दरोडा पाड़वामां आवी रह्या छे, तेमणे खातरी छे कि आ एज फोन छे जेमांथी वीडियो रेकॉर्ड करवामां आव्यो हतो। सुखजिंदर गुढ़ाए जणाव्युं हतुं कि प्रदेश कोंग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावाए मने माफी मांगवा कह्युं छे, परंतु मैं लड़वानो निर्णय कर्यो छे, मैं कंई खोटुं कह्युं नथी, तो हूँ माफी शा माटे मांगू? आ मुद्दे हूँ विधानसभा में जवाब आपीश, मने बोलवानी तक आपवामां आवती नथी, परंतु हवे हूँ मुक्त छू। राजस्थान विधानसभा में महिलाओं पर अत्याचार मुद्दे सरकार ने सवाल करनार गुढ़ा ने प्रदेश की सरकारे मंत्रिमंडल माथी हांकी काढ्या हता। मुझे हाउस की वजह से ही मुझे बर्खास्त किया है, तो इसका जवाब मुझे हाउस में देना चाहता हूँ। रंधावा जी ने कहा कि मैं माफी मांग लूं, और माफी मांगने के बाद वो मुझे माफ कर देंगे, तो मैंने माफी मांगने का निर्णय नहीं किया, मैंने संघर्ष करने का फैसला ले लिया। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हुमला ने वधु तीव्र बनावा झुंझुनू जिला में एक कार्यक्रम में संबोधता तेमणे कह्युं कि जो राजेन्द्र गुढ़ा न होत तो मुख्यमंत्री गहलोत अत्यारे जेल में होत। गुढ़ाए दावो कर्यो हतो कि तेमणे कांग्रेस नेता धर्मेन्द्र राठौर सामे ईडी अने आवकवेराना दरोडा दरमियान मुख्यप्रधाननी सूचना पर लाल डायरी सुरक्षित राखी हती। तेमणे विधानसभा में कायदो अने व्यवस्था पर राज्य सरकार ने घेरियाना कलाकों पछी शुक्रवार सांजे केबिनेट में कहड़ी मुकवामां आव्या हता। तेमणे रविवार झुंझुनू में एक कार्यक्रम ने संबोधित कर्यु हतु। आ दरमियान तेमणे कह्यु हतु कि तेमणे राजीनामा आपवानुं कहेवाना बदले तेमणे सीधा ज बरतरफ करवामां आव्या। तेमणे कह्यु कि जो तमे मने राजीनामुं आपवानुं कह्यु होत तो हूँ राजीनामुं आपी देत, तमारे फोन करीने नोटिस आपी जोईती हती। गुढ़ाए कह्यु कि न्यायाधीशो पण कार्यवाही करता पहेला तक आपे छे। तेणे स्पष्टपणे लाल रंगनी डायरीनो उल्लेख कर्यो कि जेने गहलोते सुरक्षित राखवा कह्युं हतुं। तेमणे कह्यु कि तेमणे मुख्यप्रधानना कहेवाथी डायरी सुरक्षित राखी हती। महिलाओ विरुद्ध थता अत्याचार मुद्दे भाजपना सांसद सभ्योए संसद भवन में आवेली महात्मा गांधीनी प्रतिमा पासे सूत्रोच्चार कर्या विषे वात करता भाजपना सांसद हरनाथ सिंह यादवे जणाव्युं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल अने मणिपुर सहित राज्यों में महिलाओं विरुद्ध अत्याचार में वधारो थयो छे, परंतु समस्या ए छे कि विपक्ष ने मात्र मणिपुर की घटना देखाई रही छे, ज्यारे अन्य राज्यों में थता अत्याचार पर विपक्षी दलों मौन थई जाय छे। आ वात राजस्थान कांग्रेस नेता अनेक महिला धारासभ्य स्पष्ट रीते कही छे। आ साथ भाजपना अनेक सांसद सीपी जोशीए जणाव्युं कि प्रदेश में महिलाओं ने सुरक्षा उपलब्ध न करावा बदल राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोते राजीनामु आपी देवू जोईए। इस समय महिलाओं के साथ सर्वाधिक अत्याचार कहीं पर हुए हैं तो देश भर में, राजस्थान में हुए हैं, बंगाल में हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में हुए, झारखंड में हुए, लेकिन विपक्ष की त्रासदी यह है कि वो उसके दो पैमाने, मणिपुर का तो मणिपुर में तो उसको दिखाई देता है। हमारा कहना है कि मणिपुर में हुआ वह भी बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है, इसके साथ साथ राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में हुआ है वह भी बहुत दुखद है। तो राजस्थान की सरकार जो है पूरी तरीके से निष्फल हुई है कानून व्यवस्था संभालने और महिलाओं की सुरक्षा करने में। भाजपना सांसद राज्यवर्धन राठौड़े जणाव्युं कि देशना कोईपण राज्य में महिला सुरक्षाना मुद्दाने महत्व आपवू जोईए। मोदी सरकारे महिलाओंनी सलामती माटे घणा पगला लीधा छे। केन्द्र सरकारे 11 करोड़ शौचालय निर्माण कराव्युं छे। आ साथे सरकारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाव्युं हतुं। 12 वर्षथी नानी वयनी छोकरी साथे दुष्कर्मी घटनामां फांसीनी सजानी पण जोगवाई करवामां आवी छे। पीड़िताने वहेली तके न्याय मळे ते माटे भारत सरकार फास्ट ट्रेक कोर्ट पण शरू करी छे। See, women's safety, whether it is any state or across the globe, is of paramount importance. Prime Minister Modi's government has done a lot for women's safety, starting from creating 11 crore toilets, which, if you remember, one of the highest causes of rapes was open defecation. He's also brought in behavioral change in the country by Beti Bachao, Beti Padhao, and also by ensuring that through his Mann Ki Baat that women are the priority in our country.
दिल्ली विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़े लोकशाही मंदिरों में विक्षेप शस्त्रीकरण पर दुख व्यक्त करू। जामिया मिलिया इस्लामिया शताब्दी वर्ष दीक्षांत समारोह ने संबोधित करता उपप्रमुख जगदीप धनखड़े भारपूर्वक जणाव्यु कि लोकशाही संवाद चर्चा विचार विमर्श और वाद विवाद है। विक्षेप और खलेल ने लोकतांत्रिक मूल्यों की विरुद्ध गणावी थी। हकीकत पर पीड़ा ने चिंता व्यक्त करी कि लोकशाही मंदिरों में शांति ने शस्त्र बनावामां आवी छे, जे लोकोने मोटा प्रमाण में न्याय सुनिश्चित करने 24 कलाक कार्यरत होवी जोईए। लोकतांत्रिक मूल्यों सार ने जाळवा अने बधाने काम करवा माटे आह्वान करता धनखड़े भारपूर्वक जणाव्यु कि संसद ने हमेशा कार्यरत न करवा माटे कोई बहानो होई शके नहीं। मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 27% अनामत और जाति आधारित जनगणना निवेदन पर प्रतिक्रिया आपता जणाव्यु कि जूठो बोलवामां शुं छे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जूठणा मशीन छे, आ लोग जूठणा मशीन छे जे कई पण बोले छे। आ साथे तेमणे कह्युं कि प्रदेश में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं, राज्य सरकार की लाडली योजना महत्वपूर्ण साबित होशे। आ योजना कुल 1.25 करोड़ लाभार्थी पैकी 36% लाभार्थी मुस्लिम महिलाओं छे। कमलनाथ सरकार जारे प्रदेश में सत्ता में थी त्यारे मुख्यमंत्री तरीके तेमने हमेशा पैसा की अछत की फरियाद करी, परंतु इंदौर में आईफा पुरस्कार माटे पैसा की व्यवस्था करवामां सक्षम रहा हता। आनाथी विपरीत भाजप सरकारे गरीबों ने पछात वर्ग ना लोको माटे काम कर्युं छे। झूठ बोलने में क्या जाता है, झूठ बोलने में क्या जाता है, ये झूठ की मशीने हैं जो कभी भी कुछ भी झूठ उगलते रहते हैं और पीछे से झूठ जो है दिग्विजय सिंह की फीड करते रहते हैं। तो ये तो झूठ की मशीन है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। उत्तर प्रदेश बरेली में केटलाक असामाजिक तत्वों कावड़ यात्रा पर पत्थरमारो कर्यो हतो, जेमां 12 करता वधु कावड़ियाओ घवाया हता। पुलिसे तत्काल स्थल पर पहुंची स्थिति पर काबू मेळव्यो हतो। आ घटना ने तपास चालू छे। बरेली एसपी राहुल भाटी आ मामले वधु तपास करशे। पुलिसे आ केस में एक व्यक्ति की धरपकड़ करी छे। आ पत्थरमारा बाबते फरियाद नोंधवामां आवी छे। ये थाना क्षेत्र बारादरी में चौकी जोगी नवादा में गोसाई गोटिया मोहल्ला है, यहाँ से कांवड़ की यात्रा निकल रही थी, तो इसमें कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की है जिससे कांवड़ की यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हुआ है और मौके पर पुलिस फोर्स द्वारा पहुंचकर मामले को शांत करवा दिया गया है और बाकी की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो भी इसमें शामिल होंगे सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। हवामान विभागे केरळना कन्नूर कोझिकोडे अने वायनाड सहितना जिल्लामां वरसादनी स्थितिने पगले ओरेंज एलर्ट जाहेर कर्युं छे। त्यारे प्रदेश सरकारे सावचेतीना भागरूपे 24 जुलाईना रोज राज्यमां शैक्षणिक संस्थाओ बंध राखवानो निर्णय कर्यो। जो कि कन्नूर युनिवर्सिटीनी पीएससी परीक्षाना कार्यक्रममां कोईपण प्रकारनो फेरफार करवामां आव्यो नथी। कोटेयम, मलप्पुरम, पलक्कड अने थ्रिस्सूर सहितना जिल्लामां पण भारे वरसाद पड़वानी शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे। 8 जुलाई थी भारे वरसादी झापटानी स्थितिना कारणे प्रदेश की सरकार स्थितिनुं निरीक्षण करी रही छे। केरळनी सरकारे सावधानी राखवा अने बचावना तमाम नियमोनुं पालन करवा माटे एडवाइजरी पण बहार पाड़ी हती। मुंबईमां भारे वरसादना पगले अनेक नीचाणवाळा विस्तारोमां पाणी भराया था। शहेरना अंधेरी सबवेमां पाणी भराता लोकोने हालाकीनो सामनो करवो पड्यो हतो। हवामान विभाग प्रमाणे मुंबई अने तेना आसपासना क्षेत्रोमां चालू सप्ताह दरमियान हळवाथी मध्यम प्रमाणमां वरसाद पड़ी शके छे। हवामान विभाग तरफथी जारी करवामां आवेली माहिती प्रमाणे कोलाबामां 35 मिलीमीटर ज्यारे के सांताक्रूझमां 20 मिलीमीटर जेटलो वरसाद पड्यो हतो। शहेरमां 19 जुलाईथी दररोज वरसाद पड्यो छे। मुंबईमां 22 जुलाईना रोज 30 मिलीमीटर जेटलो वरसाद खाबक्यो हतो। वरसादनी आ स्थितिने ध्यानमां राखता हवामान विभागे शहेरमां येलो एलर्ट जाहेर कर्युं। जो कि 25-27 जुलाई सुधीना समयगाळा माटे वरसादनो कोई एलर्ट आपवामां आव्युं। नर्मदा नदी फरीवार भयानक सपाटी पर वही रही छे। नदीनी भयजनक सपाटी 205 मीटर छे, ज्यारे नदीमां पाणीनुं स्तर 206 मीटर ने पार पहोंच्युं। आ स्थितिना कारणे दिल्ली अने शादरावाड़ा रूटने पण हंगामी धोरणे बंध करवामां आव्यो छे। नदीना जळस्तरमां वधारो थता दिल्लीवासीओनी चिंतामां वधारो थयो छे। 13 जुलाईना रोज यमुना नदीनुं जळस्तर रेकॉर्ड ब्रेक 208 मीटर ने पार पहोंची गयुं हतुं। सेंट्रल वोटर कमीशन तरफथी जारी करवामां आवेली माहिती प्रमाणे यमुना नदीनी उपनदी हिंडन नदीना जळस्तरमां वधारो थयो हतो।
हवामान विभागे 25 जुलाई सुधी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारेथी भारे वरसाद पड़वानी संभावना व्यक्त करी छे। गाजियाबाद में हिंडन नदी जलस्तर में वधारो थता तटीय विस्तारों पास आवेली वसाहतों में पूरना पानी फरी वळ्या हता। आ स्थिति कारण लोगों ने डर छे, जारे नदी में पानी नु स्तर 200 मीटर पर पहुंची गयु छे। आ विषय बात करता एक रहीशे जणाव्यु के केटलाक विस्तारों में 4-5 फूट जेटलू पानी भरायु छे। खावा पीवानी पण व्यवस्था करवामां आवी नथी। बचाव दलनी टीम द्वारा लगभग 200 लोगों ने बचाववामां आव्या हता। 4-5 फूट पानी भर गया है और घर तक पानी पहुंच गया है और बहुत मुश्किल हो गया। हमने वो घर खाली कर दिया, ट्रैक्टर से निकले हम लोग, बच्चों को लेकर के निकले और हर चीज दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है और अनेक दिक्कत है। कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग बाहर जाकर के जो है दूसरे सारे रह रहे हैं। लेवल एनडीआरएफ की बात करें तो कितने लोगों को बचाया हम लोगों ने? बचाया है, बहुत लोग निकाले गए हैं, 3-4 हजार लोग निकाले गए हैं और लोग जो और लोगों ने मदद की है, पास वाले लोगों ने मदद की है, निकाला है लोगों को, लेकिन दिक्कत बहुत है। देश ना मोटा भागना राज्यों में वरसाद ने पगले हाहाकार जोवा मळी रह्यो छे। दिल्ली ना यमुना किनारे रहता लोगों ने राहत शिबिरों में खसेड़वामां आव्या छे। दिल्ली में यमुना नदी नुं जलस्तर खतराना निशान थी ऊपर पहुंची गयु छे। आजे सवारे 6 वागे यमुना नुं जलस्तर 206.56 मीटरे पहुंची गयु छे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश घणा भागों में भारे वरसाद बाद हथिनी कुंड बेरेज में पानी छोड़वाना कारणे यमुना नुं जलस्तर फरी वधवा लाग्यु छे। आवी स्थिति में दिल्ली सरकार फरी एलर्ट मोड में आवी गई छे। अधिकारीए जणाव्यु के नदी जलस्तर में वधारो थवाथी राष्ट्रीय राजधानी पूर थी प्रभावित नीचाणवाला विस्तारों में राहत और पुनर्वसन कार्य ने असर थी शके छे। उत्तराखंड तहरी गढ़वाल सीतापुर पास भारे वरसाद कारण अस्थायी ब्रिज क्षतिग्रस्त थता 100 थी वधु पर्यटकों अटवाया था। जानकारी मळ्या बाद उत्तराखंड पोलीस अने राज्य सरकार ने बचाव दल की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। पोलीस अने बचाव दल की टीम दरोड़ा की मदद की नदी किनारे फसायेला 100 थी वधु लोगों जीव बचाया। आ विषय बात करता रणोल्टी एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने जणाव्यु कि 40 जेटला पर्यटकों देहरादून थी फरवा माटे आव्या हता। लगभग 1 कलाकनी भारे जहमत बाद फसायेला लोगों ने सुरक्षित बचावी लेवामां आव्या। हवामान विभागे प्रदेश में 27 जुलाई सुधी भारे वरसाद की संभावना व्यक्त की छे। बिहारना नालंदाना कुलगाम में 40 फूट ऊंडा बोरवेल में पड़ेला 3 वर्षना शिवम ने जीवतो बहार काढ़वामां आव्यो। केटलाक कलाकोनी जहमत बाद टीम ने सफलता मळी हती। बहार आवता मेडिकल टीमे बाळकनुं चेकअप कर्युं हतुं। अगाउ लोकोए जणाव्युं हतुं कि बाळक माताने पाछळ खेतर तरफ जई रह्यो हतो त्यारे तेनो पग लपसी गयो अने ते बोरवेलमां पड़ी गयो। आ बोरवेल 40 फूट ऊंडो छे अने तेमांथी बाळकनी चीसोनो अवाज आवी रह्यो हतो। माहिती मळता पोलीसनी टीम अने अधिकारीओ घटनास्थळे पहोंची गया हता। तरत ज जेसीबी बोलावीने बचाव कामगीरी शुरू करवामां आवी हती। परिस्थिति ने जोता एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने स्थल पर बोलावामां आवी हती। देश में बहुभाषी शिक्षण ने प्रोत्साहन आपवा माटे सीबीएसई शालाओं भारतीय भाषाओं ने शिक्षण माध्यम तरीके अपनावानी मंजूरी आपी। सीबीएसई नवी शिक्षण नीति 2020 हेठ आ निर्णय अंगे तमाम संलग्न शालाओं ने पत्र लख्यो छे। वोड़े तमाम शालाओं ने तेमनी पासे उपलब्ध माध्यमों अनुसार शिक्षण वैकल्पिक माध्यम तरीके भारतीय भाषाओं उपयोग करने जणाव्यु छे। आ मामले सीबीएसई नियामक जोसेफ इमेन्युएले जणाव्यु हतुं कि आ पहल में सौथी मोटो अवरोध प्रादेशिक भाषा में पुस्तकों की उपलब्धता होई शके छे। आ अवरोध ने दूर करने माटे केन्द्रीय शिक्षण मंत्रालय अनेक पगला लीधा। वधुमां तेमणे कह्युं कि एनसीईआरटी आ गंभीर कार्य ने टोचनी प्राथमिकता पर लीधुं छे, जेथी करीने आगामी सत्रनी तमाम विद्यार्थीओने 22 अनुसूचित भाषाओमां पुस्तकों उपलब्ध करावामां आवशे। समग्र देशमां दिवस ने दिवसे मोंघवारी वधी रही छे। टामेटाथी लईने दाळ तेमज दरेक वस्तुना भाव वधी रह्या छे। आ दरमियान मोंघवारी अंगे विगतो बहार आवी छे। जापानी ब्रोकरेज फर्म कंपनीए जणाव्युं कि शाकभाजीना भाव आसमाने पहोंचवाना कारणे छूटक फुगावो जुलाई अने ऑगस्ट महीनामां फरी 6% ऊपर वधे तेवी शक्यता छे। जो आवुं थशे तो रिझर्व बेंकना फुगावाना संतोषजनक स्तर करता वधु हशे। रिटेल फुगावाने 2-4% गाळामां राखवानी जवाबदारी सरकारी रिझर्व बेंक ने सौंपी छे। शाकभाजीनी वधती किंमतोथी वाकेफ बोर्ड खाद्य उत्पादनोना पुरवठाने सुधारवा माटे घणा पगला लई शके छे।
2.5 टन टामेटा धरावता ट्रक ने हाईजेक करवाना मामला में पुलिसे तमिलनाडु में आरोपी दंपति की धरपकड़ की थी। पुलिस जणाव्युं हतुं के वेलोर में रहता आरोपी भास्कर अने सिंधुजा हाईवे पर चोरी करती गैंगना सभ्यो छे। आ गुना में संडोवायेला अन्य त्रण आरोपी हजू फरार छे। 8 जुलाई रोज चित्रदुर्गा जिल्लाना चिकाजला पासे आरोपीए खेडूत पासेथी पैसानी मांगणी करी हती। आरोपीए दावो कर्यो हतो के खेडूतोना ट्रके तेमनी कारने टक्कर मारी हती अने वळतर पेटे पैसानी मांग करी हती। ज्यारे खेडूतो पैसा आपवानी ना पाड़ी तो आरोपीए तेने पटकार्यो अने त्यारबाद टामेटा भरेलो ट्रक लई तेओ फरार थया। ट्रकमां 2 टन टामेटा हता जेनी बजार किंमत लगभग 2.5 लाख रूपया छे। खेडूतोनी फरियादना आधारे पोलीसे गुनो दाखल करीने तपास हाथ धरी हती। मध्यप्रदेशना कूनो नेशनल पार्कमां चित्ताना वधता जता मृत्युआंकना कारणे हवेथी प्रवासीओ माटे तेने बंद करवामां आवशे। सतत मृत्यु बाद खुल्ला जंगलमांथी चित्ताओने पकड़ीने आरोग्य तपास माटे पांजरामां राखवामां आवशे। छेल्ला 4 મહિનામાં 8 ચિત્તાના મોત બાદ તમામ ચિત્તાઓની હેલ્થ ચેકઅપ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। હેલ્થ ચેકઅપ માટે જંગલમાંથી ખુલ્લામાં છોડવામાં આવેલા ચિત્તાઓને પકડવાની કવાયત શરૂ કરવામાં આવી છે। પૂનો નેશનલ પાર્ક મેનેજમેન્ટે ચિત્તાના સ્વાસ્થ્ય માટે આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે। નામિબિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકાથી લાવવામાં આવેલા ચિત્તાઓની આરોગ્ય તપાસ ચિત્તા નિષ્ણાંત ટીમની દેખરેખ હેઠળ શરૂ કરવામાં આવી છે। જો કે કુનો નેશનલ પાર્કના જંગલમાં અત્યાર સુધી 11 ચિત્તાઓ મુક્તપણે ફરી રહ્યા છે। તેમાંથી 7 ચિત્તાઓને મોટા ઘેરામાં ખસેડવામાં આવ્યા છે। તે જ સમયે 4 દીપડા પહેલેથી જ બિડાણમાં બંધ કરવામાં આવ્યા છે, જે હાલ એકદમ સ્વસ્થ છે। ટ્વિટર અવારનવાર બદલાવ કરતું રહેતું હોય છે, તો હવે ટ્વિટરે તેનો લોગો બદલવાનો નિર્ણય લીધો છે। આ અંગે ટ્વિટરના માલિક એલન મસ્કે રવિવારે એક બોમ્બશેલ છોડ્યું હતું, જેમાં તેણે જાહેરાત કરી કે હવેથી ટ્વિટરના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટૂંક સમયમાં પક્ષી લોગોને દૂર કરશે અને ટૂંક સમયમાં અમે ટ્વિટર બ્રાન્ડને ધીમે ધીમે તમામ પક્ષીઓને વિદાય આપશે। એક્સ લોગોને આજે વિશ્વભરમાં લાઈવ કરવામાં આવશે, તેમજ મસ્ક દ્વારા આ કદાચ સૌથી મોટું ઓવરઓલ છે। પાકિસ્તાની ટીમે એસીસી ઇમેજિંગ એશિયા કપ 2023નો ખિતાબ જીત્યો છે। કોલંબોના આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રવિવારે રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં પાકિસ્તાન એ ભારતને 128 રનથી હરાવ્યું। મેચમાં પાકિસ્તાન એને 353 રનનું ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, જેનો ભારતીય ટીમે સફળતાપૂર્વક પીછો કરી શકી નહોતી। ભારતીય ટીમ 40 ઓવરમાં 224 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી। પાકિસ્તાને બીજી વખત આ ટુર્નામેન્ટ પોતાના નામે કરી છે। આ સાથે ભારત બીજી વખત ટાઇટલ જીતવાનું ચૂકી ગયું। એસીસી મેન્સ ઇમેજિંગ ટીમ એશિયા કપની આ 5મી સિઝન છે। પ્રથમ સિઝન 2003માં સિંગાપુરમાં યોજાઈ હતી, જ્યારે ભારતીય ટીમે ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું, જે બાદ શ્રીલંકાની ટીમ સતત 2 સિઝન 2017-2018માં ચેમ્પિયન બની હતી। 4th સિઝન 2019માં બાંગ્લાદેશ દ્વારા હોસ્ટ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે ફાઇનલમાં પાકિસ્તાને યજમાન બાંગ્લાદેશને હરાવી ટાઇટલ જીત્યું હતું। 2019 પછી આ ટુર્નામેન્ટ કોરોનાના કારણે યોજાઈ શકી નહોતી। હવે પાકિસ્તાને બીજી વખત ટાઇટલ જીત્યું છે। ભારત 30 ઇનિંગમાં 10થી વધારે રન બનાવ્યા હોય। આ પહેલા શ્રીલંકાના મહિલા જયવર્ધને 20 ટેસ્ટ ઇનિંગમાં ડબલ ડિજિટમાં સ્કોર કર્યો હતો। રોહિત શર્મા હાલ તેની કારકિર્દીના ફૂલ ફોર્મમાં છે।